अरे अक्षय शर्मा जी, सूत्र नीति करके दिखाएंगे। नमस्कार मित्रों, ये हमारे योग परंपरा, भारत की योग परंपरा में सबसे सर्वप्रथम ये षट कर्म जो हमारे योग के लिए हमें आता है, उसमें हमारे शरीर के समस्त प्रकार के हमें मलों को, हमारे जितने भी हमारे विकृतियां हैं, कफ है, वात है, पित्त है, सबको दूर करने के लिए, जो कि हमारे शरीर में बड़ा रहता है, उन सबको दूर करने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल, अपने शरीर के सभी मलों को त्याग करने के लिए षटकर्म है। षटकर्म में क्या होता है? नीति नीति जो बहुत ही कठिन क्रिया है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो कोई कठिन क्रिया नहीं है, लगती है दिखने में, लेकिन अगर आप अच्छे गुरु की शरण में रहकर इसे करें, इसे करने से फायदे जो है वो बहुत ही सुखदायक, इसके जो लाभ हैं वो बहुत ही सुखदायक हैं। जो इसमें ऐसे आपको सर्वप्रथम आपकी नाक नहीं बहेगी, जैसे आपको कभी जुकाम हो जाता है वो जुकाम कभी नहीं लगेगा, और इसको करने से हमारे गले के जो जितने भी भाग हैं, कान, नाक, आंख, दिमाग, मुंह, बाल, जितने भी ऊपर के हमारे ये रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं, हमारे शरीर पे अलग ही चमक आने लगती है, ग्लो आने लगती है हमारे शरीर में, क्योंकि जो भी हमारे छिद्र हैं ये सब, इन सबके वो एक ही जगह मिल रहे हैं ये। अब आप देखें, मैं रबड़ नीति करूंगा जो कि प्रचलन में है आजकल हमारे, लेकिन इससे जो जो करनी चाहिए वो ये सूत्र नीति है, लेकिन सूत्र नीति करने से पहले हम लोगों को रबड़ नीति करने का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन आपको करके दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, जो हमारा स्वर चल रहा है उससे नीति करनी है। इसे ऐसे पकड़ के, ऐसे लेके, कि नीति ये नाक से गई और मुंह से निकल गई, अब हम इसे ऐसे हल्का हल्का रगड़ा करना है। ये नीति हमारी यहां से होती है, दिमाग से होती है, कान कून सबके छिद्र निकाल रहे, मुंह से निकली है, ये निकल गई। ठीक है, अब इसी को हम दूसरी नाक से करेंगे। ये सूत है, सूत मीन यही होता है योग क्रिया का, इस सूत को हम डालेंगे नाक में अपनी। जैसे हमने रबड़ नीति करी उसी प्रकार हमें सूत्र नीति करनी है।
मेन जो हमारे युग में षटकर्म में प्रचलन में है नीति, जो क्रिया में प्रचलन में जो है वो है सूत्र नीति। सूत्र नीति में सूत है, इस सूत को लिपटा हुआ अग्रभाग इसका मोम का है जो कि हार्ड है, हल्का हार्ड होने क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे धीरे धीरे नाक में जाएगा। अगर हम सॉफ्ट सूत लेंगे तो वो नाक में हमारे नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हमें आगे थोड़ी सी इसमें मोम लगानी पड़ती है जिससे कि थोड़ा हार्डनेस इसमें आए। अब हम इसे अपनी नाक में डालेंगे, पहले हम एक नाक में कर चुके हैं, अब इसको हम दूसरी नाक में डालेंगे। इसका नाक में डालने का जो तरीका है वो ये है, उसे बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस समय हम ये क्रिया कर रहे हैं उस समय सारा ध्यान हमारा इसी क्रिया में रहना है, हमें अपना मन इधर उधर नहीं भटकाना है। यदि हम अपना मन इधर उधर भटकाएंगे तो वो गलत हो जाएगा और गलत होने से हमारे को ही नुकसान मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर का इंटरनली भाग में जा रहा है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए अब हम इसे आराम से करेंगे, बहुत ही आराम से करना है, हमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है क्योंकि शरीर हमारा है और हमें जल्दीबाजी इसमें बिल्कुल नहीं दिखानी है। हम इसे शुरू कर रहे हैं, हमने यहाँ से नाक में ऐसे डाली, ये हमारे मुंह से बाहर आ गई, ठीक है। अब हमें थोड़ा हमें नाक में चलाना है, चलाने से क्या होगा, शरीर में जितनी प्रकार के कफ रुका हुआ होगा दिमाग में हमारे वो सब निकल जाएगा। तो ये थी मित्रों सूत्र नीति। इस सूत्र नीति को हम सब लोगों को करना चाहिए। इसको करने के जो फायदे हैं वो बहुत ही अचूक फायदे हैं। वो फायदे ये है कि हमारी नेत्र की जो ज्योति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी आँख में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई धुंधलापन नहीं आता, हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती। टेंशन जिसको हम सोचते हैं कि सोचने के जिस प्रकार के हमारे दिमाग में भी दर्द रहने लगता है, माइग्रेन सब दूर हो जाती है। कान हम सुनाई कम देता है, सुनाई कम क्यों देता है क्योंकि एक कफ के कारण, कफ का इन सभी क्षेत्रों से मेल है, ये सभी क्षेत्र एक जगह मिलते हैं जो कि इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसे नहीं निकल पाते, वो सूत्र नीति और रबड़ नीति के द्वारा ही निकल पाते हैं। जिस समय हमने सूत्र नीति अपनी नाक के द्वारा अंदर डाली तो उस समय जितने भी क्षेत्र हैं समाज हमारे दिमाग के आँख के नाक से डाल ही रहे, गला कान दिमाग ये सब पैसे निकल के यहाँ आ रहा है, यहाँ से घुस रहा है यहाँ निकल रहा है। जैसे कि अभी आपको सर्वप्रथम हमने करके दिखाया, उसको हमें हल्का हल्का उसे ऐसे रगड़ना है जैसे हम अपने टॉवल को अपनी कमर के बारे से रगड़ते हैं, ऐसे ही हमें हल्का हल्का से रगड़ना है। उस रगड़ से क्या होगा करना बड़ा सावधानी से है, ज़्यादा रगड़ोगे खून भी आ जाएगा। आराम आराम से हम इस प्रकार रगड़ेंगे कि हमारा सारा कफ बाहर निकल जाए, हमारे छिद्र खुल जाए। जब हमारे छिद्र में कोई ब्लॉकेज ही नहीं रहेगी तो हमारे को कोई रोग सताने की हिम्मत भी नहीं करेगी। धन्यवाद अक्षय शर्मा आपका भाई।